छत्तीसगढ़ महातारी की जयकारा लगती जोर से लगाओ बस आज हाई मंडल एकर से एकदम धीरे लगाना और हाथ ऊपर ठीक है कम होना चाहिए आपका के जयकारा जनसंख्या देखिए तो बोलिए छत्तीसगढ़ महातारी की देवियों की वंदना संपूर्ण छत्तीसगढ़ पहले दक्षिण कौशल के नाम से विख्यात था वैसे छत्तीसगढ़ को धान की कटोरा के नाम से भी जाने जाते हैं लेकिन संपूर्ण भारत पहले छत्तीसगढ़ के नाम से विख्यात था माता कौशल्या की जन्मभूमि होने की वजह से कौशलवासी अर्थात छत्तीसगढ़वासी प्रभु श्री रामचंद्र जी को भांजे के रूप में मानते हैं भांजे के प्रति श्रद्धा भाव आज भी छत्तीसगढ़ वासियों में विद्यमान है और प्रभु श्री रामचंद्र जी का वनवास काल का 12 वर्ष इसी छत्तीसगढ़ में बीता था और यहाँ मतम ऋषि महाराज का आश्रम है वाल्मीकि जी का आश्रम है और यहाँ लोक का भी जन्म हुआ था और माता सबरी की जन्मभूमि भी इसी छत्तीसगढ़ में हुआ था और जितने कक्षा संत महात्मा थे उनका भी श्री केवल छत्तीसगढ़ को ही जाता था और प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास काल के दौरान अगर सबसे ज्यादा वक्त बिताए तो केवल छत्तीसगढ़ में ही इसलिए संपूर्ण भारत का अगर हृदय स्थल तो केवल क्या है क्या है भरत लगते का को ध्यान नहीं अगर संपूर्ण भारत का अगर हृदय स्थल तो केवल छत्तीसगढ़ के बारे में कोई कभी बहुत अच्छा देख लीजिए शायद ये कहावत आप सब लोग मालूम भी होगी कि जिया मन उठा के रेगा छाती ठो पढ़ो लिखो सुना गुना छत्तीसगढ़ का साग जमी कांदा का कल गबड़ी कहा था और मैं का के हूँ तो लेलगा बड़ी भैया मन जानते हो जिमी कांदल माता मन नहीं जानो ऐसे भी समझो तो कि हम मांग ले दो नहीं दे हाँ रमान हमारे लास्ट हुई ना विदा हुई तलाक रख ले रहे उहिल महादान माने के जिमी कांदल है नहीं तो सात जिमी कांदा और हम सुरा कड़ी है अपन मयारी भाका हमारे छत्तीसगढ़ी है हमारे छत्तीसगढ़ी है या अपन सारी बजाते बजाते का पर एक तो बजाते तो बने बजा करो नहीं बजा मत बजा करो भाई तो हमने इतने आप लोग के ताली का माल सुनता नहीं सारा मंडा रात को अब कैसे का छत्तीसगढ़ के बारे में बात जी का चला थे अभी हमें ऐसे लगी से जीवन ताली बजे ते मन छत्तीसगढ़ के निवासी कैसे अजब मौज मन खाली बैठे थे मन पाकिस्तान के निवासी है ना तो चलो कौन कौन पाकिस्तान के निवासी बच्चों का ताली बजाता है कैसे हो दीदी सब कुछ कैमरा सेट हो गए ना पूरा पिपरिया एकदम कैसे हो जी आप अब बता किससे मैं जान कैसे बने पूछो का बात तो पूछे ना अभी आप मन हम चेक कर रहे अब शुरू बैठे हैं तो गाय बजा पर माइक मन हम मन चेक नहीं करें थी तो इसे ढंग के मुंह आप मन अभी चेक कर रहे हो अभी मन बोला तो क्या था तो काकर ध्यान हमर तरफ है और काकर पते ध्यान हम से की थी अब पता चले काकर ध्यान दे दी हां तो थोड़ा ध्यान दे के बैठो ठीक है काबर क्या तुम का सुन दो भैया मैंने कमजोर से बोले करो हमारे पापा की कम सुन था दूसरा बात का समय बैठे हो और रामायण में कल एक ठन किस्सा से जानते हो अगर ध्यान भटका भी ना हम हम बोल रहे इतनी राम सुंदर लो आप लोग कहीं कहीं रावण कहीं जगह मना कर बोली दशरथ यहाँ देखे से ध्यान थोड़ा सा ध्यान से बैठे हैं चलो कोई बात नहीं हाथ पाए हो तो धोखा लेकिन हाँ कौन कौन छत्तीसगढ़ घर एक बार जोरदार ताली बजाएं हम छत्तीसगढ़ यहाँ मरे ना एकदम भरपूर मारा होना चाहिए है ना तभी तो दिखे नहीं ज्ञान मिला छत्तीसगढ़ यहाँ
तुई हमारे पिपलिया गवाह थी ना? पापा क्यों? ये कोई हमारे पिपलिया गवाह है? अरे हमारे पिपलिया गवाह है, हमारे भैया दीदी बन के आवाज है, कितना बुलंद होते आप सबको पता है। ऐसे में छत्तीसगढ़िया बन के आवाज कितना भर रखा थे पता है ना? हाँ तो ऐसे जोर आवाज में बोलना इतना बुलंद आवाज में ताकि आप बन के खड़ा करके ओपन पेंडिंग रामायण होता ना वहाँ तक पहुँचना चाहिए, ताकि वो पेंडिंग वासी बन ना पता चलना चाहिए कि आप बन के पिपरिया गांव भी रामायण होते हैं। ठीक है, इतना बुलंद आवाज में बोलना। तो छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ के मन के मन और करो से